नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर द्वारा आयोजित स्टोर कीपर की परीक्षा को। तो दोस्तों, इससे पहले हमने अपना पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों ये हमारा पार्ट टू है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप पार्ट वन को भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का अंगीकार कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा का सृजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवा दिवस अर्थात सिविल सर्विसेज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्यशाला अर्थात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1959, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो एक पहल थी? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट एरो है डाक विभाग से संबंधित, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है एक? तो दोस्तों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रबर है एक? तो दोस्तों, रबर एक रोधी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एटम बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो इसमें होती है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल मानव जठर में उपस्थित होता है? तो दोस्तों, मानव जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वोटर्स इंक बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो होता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है? तो ये होता है तांबा, ऑप्शन ए, कॉपर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है? तो ये है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक है? दोस्तों, गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, IRDAI ये बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा स्वरूप में परिवर्तित होती है? तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उसके सही उत्तर से भी रूबरू करवा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्व का न्यूनतम मान कहाँ पर है? तो दोस्तों, गुरुत्व का न्यूनतम मान विषुवत में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है? तो दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य की क्षीणता कम होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात ABC तीनों चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। अगला प्रश्न है, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, दूरस्थ अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के शीर्ष 30 थिंक टैंक में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों इसमें है ORF, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का निर्धारण करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हाल ही में दिवंगत गीता रामजी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के निवासी किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका व्यवसाय था वायरोलॉजिस्ट, अर्थात विषाणु वैज्ञानिक थे ये। तो दोस्तों ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, इन्हें यहाँ पर स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, देवली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये है बिलासपुर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सारी मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अर्की में। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर को हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन सी, जयपुर को। अगला प्रश्न है, डफ और फिल्प द्वारा किए नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन में किस भारतीय सेलिब्रिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है विराट कोहली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो यह है बहीदा रहमान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत प्रणब कुमार गोगोई किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे राजनीति से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जंग लगना क्या है? तो दोस्तों जंग लगना है लोह का संक्षारण। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होता है? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है, क्वाशियोरकोर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घातक अनीमिया होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन B12 से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे जहरीला सांप है? तो ये है समुद्री सांप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होगा यकृत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो ये है पंजाब। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी लघु हिमालयी श्रेणी है? तो ये है धौलाधार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बैंकर पत्रिका द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 नाम दिया गया है? तो यह ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, नवीनतम केंद्रीय बजट 2021 द्वारा बैंक डिपॉजिट में कितना अधिकतम बीमा प्रदान किया जाता है? तो यह है 5 लाख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटवर्ती सुरक्षा अभ्यास माटला अभियान आयोजित किया गया था? तो दोस्तों माटला अभियान कोलकाता में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है? तो दोस्तों ये है झारखंड में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म ने हाल ही में छोटे वीडियो बनाने वाली एप्लीकेशन टांगी लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है गूगल ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नागालैंड की लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों ये है 1, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र होता है? तो ये होता है बजट सत्र, ऑप्शन ए, इसका भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संसद की प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं 30 सदस्य, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी? तो ये थे फातिमा बीबी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1999, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ट्रिपल पी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पावर पैरिटी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नीति आयोग से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला है, अगर आप लोगों को इसका सही पता आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1995 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुग्ध से अर्थात मिल्क। अगला प्रश्न है, नाबार्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों नाबार्ड संबंधित है कृषि और ग्रामीण विकास से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यक्ष कर होता है? तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, व्यवसाय कर और निगम कर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत है एक? तो दोस्तों भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।